बाळासाहेब थोरात बोलतात पाहूया. I came here to meet Balasaheb Thorat, our CLP leader. 4 days back, I met Honorable Congress President and also General Secretary Organization in Delhi. In fact, I had a detailed discussion. I have conveyed to them his hurt feelings and also some of the misunderstandings for several reasons. Anyway, it is a family matter, like Congress is a family, it is a family matter. Like, I have discussed in detail with Balasaheb. We'll sort out things very soon, and Balasaheb will be attending Raipur AICC session and also meet the President, Sri Mallikarjun Kharge ji, and General Secretary Organization Venugopal ji, once he is all right for traveling. Friends, मैं आज बालासाहेब थोरात को, हमारा सीएलपी लीडर को मिला. उसकी पहले 4 दिन पहले मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी को मिला था. आई हैव अप्राइज देम इन डिटेल अबाउट द डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट्स है उसके बारे में मैं प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन से बात किया हूँ. बालासाहेब रायपुर एआईसीसी सेशन अटेंड करेगा और जो वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो इश्यूज रेज हुआ है, जो उसका हर्ट फीलिंग्स जो हुआ है, जो उसको कंसल्टेशन नहीं किया है करके भी थोड़ा ज़्यादा उसका हर्ट फीलिंग्स है, उसके बारे में भी हम बातचीत किया है. कांग्रेस का ये जो परिवार है, ये परिवार में जो छोटा बड़ा समस्या आता रहता है, वो समस्याओं को हम हल करेंगे. जल्द से जल्द वो हल होने वाला है, ठीक होने वाला है. और बालासाहेब रायपुर सेशन को अटेंड होने वाला है. उन्होंने क्या प्रॉब्लम बताया, उन्हें क्या समस्या थी ये बताइए, उन्होंने क्या समस्या. मैं आ रहा हूं सर. राजीनामा स्वीकार ला कि उनका रेजिग्नेशन जो एक्सेप्ट हुआ है नहीं है, क्या डिसीजन हुआ. सी, दिस इज एन इशू व्हिच इज अमंगस्ट आवर्सेल्व्स. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन. अभी तो रेजिग्नेशन को मानने का वो कुछ नहीं विषय है. और मैं थोरात साहब को विनती भी किया हूँ, जो पक्ष की संगठन में जो कार्यक्रम है, मुझे मालूम है कि उसका हाथ का बहुत जो पेन है, इसके बावजूद उसको मीटिंग्स अटेंड करने के लिए मैं विनती किया हूँ. और रायपुर सेशन को सर, वो आने वाला है और उसके बाद बालासाहेब थोरात जी ने हमारा कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलके उसका बात उससे रखने वाला है. सिर्फ सवाल वो ही खड़ा हो जाता है कि क्या सीएलपी पद का उन्होंने राजीनामा दिया, क्या आपने स्वीकार किया या उन्होंने फिर अपने वो पद पर रहने की. देखो, उसका जो इस्तीफा है वो विषय नहीं है, वो स्वीकार नहीं हुआ है, वो सब्जेक्ट अभी नहीं है. सर, महाराष्ट्र के कई नेता, थोरात जैसे ही बाकी कुछ नेता है, जो यहाँ के प्रेसिडेंट को लेकर उनके सवाल हैं, उनकी परेशानियाँ हैं, उस पर क्या भूमिका रहेगी आपकी.
No, if there are any misunderstandings, I think we should be able to sort them out. कोई छोटा जो इश्यूज है उसको हम जल्द से जल्द हल करते व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया गया, उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई इस पूरे नासिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के दौरान, क्या इन मुद्दों को आप सुलझा पाए हैं? क्यों आखिर ऐसा हुआ इतने बड़े सीनियर नेता के साथ ऐसा? देखिए, ये जो विषय है ये सब हम विचार करते हैं। वो थोरात साहब हाईकमांड से भी उसका बताया है, इट विल बी डेल्ट एट दैट लेवल एंड व्हेन ही मीट्स द प्रेसिडेंट he may also place other issues. So, Patil, can we say that is all is well right now in Maharashtra Congress as you met him? No, as of now, no damage done. Things will improve. Things are all good. नहीं, आज की जो मीटिंग में सत्यजीत तांबे का इश्यू नहीं था। We did not discuss anything about Satyajit Tambe, whether his nomination, his election, his winning or anything. We did not discuss anything about Satyajit Tambe. Sir, Pradesh Adhyaksh Nana Patole ji ke khilaf jo bhi complaints hai jo Thora sahab ne batayi ho ya Vidarbh ki Congress ke netaon ne bhi batayi hai, is bare mein kya consultation hui hai, kya charcha hui hai? Yeah, I will not be able to tell you. Main aapko sab detail बता नहीं सकता, लेकिन उतना डिटेल में हम बातचीत नहीं किया है। पाटिल साहब, लेकिन क्या नाना पटोले जी ने थोरात साहब से संपर्क के पूरे विवाद के बाद क्या उन दोनों के बीच बातचीत हुई है, क्या कहना है, क्या उन्होंने माफी मांगी नाना पटोले जी ने? बातचीत अब तक नहीं हुआ है, लेकिन होगा, जल्द से जल्द होगा। थैंक यू। सर, काय नेमकी जास्त झाले, काय नेमकं? नाही, एक तर मी मीडियाच्या समोर बऱ्याच दिवसांनी आलेलो आहे, म्हणजे आणि या विषयात तर मी बिलकुल मीडियाच्या समोर आलेलो नाही, आणि हे आमच्या काँग्रेस कुटुंबातलं जे काही गोष्टी आहेत त्या अंतर्गत बाबी आहेत, मीडियानं त्या खूप मोठ्या केल्या, ही वस्तुस्थिती त्यामध्ये आहे। माननीय पाटील साहेबांनी माझ्याशी चर्चा केलेली आहे, त्यांनी रायपूरला मी असलं पाहिजे असा आग्रह धरलेला आहे, आणि मी रायपूरला जाणार आहे, कारण आमचं ते एक अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचं मोठं अधिवेशन आहे, इथं आदरणीय मॅडम असतात, राहुलजी असतात, स्वतः खरगे साहेब असणार आहेत, तर त्यामुळं तिथे मी असणार आहे, भेटी आमच्या होतील। काही प्रश्न प्रत्येक संघटनेमध्ये असतात, तसे ह्या संघटनेमधले ते प्रश्न आहेत, एवढंच का काँग्रेसचे जास्त ते आपण मीडिया चांगलं त्याच्या जास्त प्रसिद्धी देते, एवढाच अर्थ त्याचा। तेव्हा याच्यात आमच्या चर्चा आहे, अजूनही त्या पार्टी अंतर्गत आहे, त्यामुळे त्याला काही मी महाराष्ट्राचं आणि देशाचं स्वरूप देत नाही। तुमची नाराजी दूर झाली का आणि राजीनामा? नाही, याच्यातल्या चर्चा आहेत, आणि माननीय खरगे साहेबांशी मी बसावं असं माननीय पाटील साहेबांनी सांगितलेलं असल्यामुळे आम्ही आणखी चर्चा आमच्या होतील। काही मुद्दे आहेत आणि शेवटी ते काँग्रेस ताकदवान करण्याकरता म्हणून आहेत, काँग्रेसला पुढे नेण्याकरता म्हणून। हिंदी में तो जाना है कि आपकी बातचीत की क्या कहा उन्होंने? एचके पाटिल जी के साथ मैंने बात की, जो मैंने दिया था, जो मन की बात थी मेरे कांग्रेस के बारे में, जो होना था सुधारना जो करनी चाहिए थी उसके बारे में जो था वो मैंने पाटिल साहब को बताए, बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, और माननीय प्रेसिडेंट हमारे खरगे साहब उनके साथ भी बात करने वाले हैं। नहीं, हमारा कुछ आखिर ये सब है, ये कांग्रेस आगे लेके जाने के लिए है, जो पॉइंट है उस पर डिस्कशन हो गया। आश्वासन क्या दिया आपको? यामध्ये अजूनही माननीय खरगे साहेबांशी मी चर्चा करावी अशी पाटील साहेबांची इच्छा आहे, त्या पद्धतीनं त्यांच्याशी चर्चा होईल। या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत की काँग्रेस संघटना आणखी चांगली बनावी, ताकदवान व्हावी, आणि त्याच्यातून आमच्या लोकांचं काम करता यावं, महाराष्ट्रातल्या जनतेचं काम करता यावं, याकरता हे सगळे प्रयत्न आहे। एवढंच का मीडियाने त्याला प्रसिद्धी खूप दिली, तुमचे आभार मानले पाहिजे, एवढी प्रसिद्धी कधीच मिळाली नव्हती। नाही, असं एवढा संघटन हे आमच्या काँग्रेसच्या अंतर्गत गोष्टी आहेत, आम्ही चर्चा करतो आहोत, ती काँग्रेस पुढे नेण्याकरता। आजची बैठक निष्फळ ठरली म्हणायचं का?
तेव्हा काँग्रेसचे प्रभारी एच के पाटील आणि बाळासाहेब थोरात यांच्यातली बैठक संपन्न झालेली आहे. हा आमच्या काँग्रेस पक्षातील आमच्या कुटुंबातील मुद्दा असल्याचं बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलेलं आहे. सोबतच रायपूर इथल्या काँग्रेसच्या बैठकीला मी जाणार असल्याचं देखील बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.